देश में फैले कोरोना ने जहां लोगों को त्राहिमाम त्राहिमाम करने पर मजबूर कर दिया है, वहीं इस कोरोना का कहर अब भगवान के घरों में भी दिखाई देने लगा है, क्योंकि कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने भगवान और भक्त के बीच की भी दूरियां लगातार बढ़ा दी हैं। इसी के चलते अब मथुरा में भगवान द्वारकाधीश का मंदिर, जहां पहले ही 25 तारीख तक के लिए आम भक्तों के दर्शन हेतु बंद किया जा चुका है, तो आज से श्री कृष्ण के जन्म स्थान को भी पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है, जो कि अगले 9 मई तक आम भक्त अब मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे और मंदिर में सिर्फ रोजाना के पाठ पूजा हेतु मंदिर के अंदर ही सेवायात कर सकेंगे। मगर जो हजारों भक्तों की लंबी लंबी लाइनें भगवान के घरों के बाहर लगी रहती थी, वो फिर से एक बार देखने को फिलहाल नजर नहीं आने वाली, क्योंकि अब भगवान के घरों में भी कोरोना ने पैर पसार लिए हैं और इसी वजह से मंदिर के प्रबंधन कमेटी ने उचित समझा कि अब मंदिर को 9 मई तक बंद कर दिया जाए और जितने भी कृष्ण भक्त हैं वो अपने अपने घरों में रहकर सुरक्षित परिवार के साथ भगवान की पूजा अर्चना करें। कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि पर श्रद्धालुओं का प्रवेश आगामी 9 मई तक नहीं होगा। सभी श्रद्धालु अपने घर में ही भगवान का स्मरण चिंतन मनन करें, स्वयं तो स्वस्थ रहें, अपने आसपास भी इस महामारी से निपटने के लिए जागरूकता पैदा करें।